बेन 10 ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंसेस हमें हर सीरीज में दिखाए जाते हैं, लेकिन हम लोगों के यूट्यूब पे भी कुछ ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जिन्होंने ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंसेस बनाए जो कि हमारी बेन 10 सीरीज से बिल्कुल सिमिलर थे, और तो और उससे भी ज्यादा कहूंगा कि नेचुरल और अच्छे लग रहे थे। और यूट्यूब 2015 और 16 में तो इस चीज का क्रेज ही बहुत ज्यादा था बेन 10 ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंसेस बनाने का। तो हाँ, आज मैं तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ टॉप 10 बेस्ट फैन में ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस ऑफ बेन 10। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच फॉर 3K सब्स, जल्दी से 4K और 5K करने हैं, और तुम लोगों का ऐसे ही सपोर्ट चाहता हूं। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। एंड या फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दैट इफ एनी क्रिएटर हैव एनी इशू विद दिस वीडियो, लाइक आई यूज योर फुटेजेस इन माय वीडियो, सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस वीडियो, सो यू कैन कमेंट डाउन ऑन दिस वीडियो एंड आई विल टेक डाउन दिस वीडियो। प्लीज प्लीज डोंट गिव मी एनी कॉपीराइट स्ट्राइक प्लीज। और हाँ, जितने भी क्रिएटर्स की मैंने वीडियो इसमें यूज करी अपनी वीडियो में, उन सबके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर तुम्हें इन्हें सपोर्ट करना है तो कर सकते हो। This one looks cool. It's hero time. नंबर 10 पर आता है ग्रे मैटर। ग्रे मैटर की ये ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा अच्छी थी। हाँ, कुछ ऐसा मतलब थोड़ा थोड़ा फील आया जैसे कोई इंस्टाग्राम का फिल्टर लगाया हो, लेकिन हाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन काफी हद तक अच्छा है। सबसे पहले तो यार ये ओमनीट्रिक्स का जो इफेक्ट डाला ये काफी ज्यादा अच्छा है, एंड ये जो आंखों के अंदर एलियंस चेंज होते हुए दिखाई गई ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो है ही है अच्छी, इसलिए ये हमारी लिस्ट में यहाँ पर आ पाई है, अच्छी है तो इसलिए आएगी ना। Atomics. Okay, Rado. This is work. Let's do this. नंबर 9 अटोमिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो यार, अटोमिक्स ट्रांसफॉर्मेशन भाई बहुत ही ज्यादा अच्छे लाइट इफेक्ट्स के साथ आया है हम लोगों का, और सेकंडली ये बिल्कुल हमारे बेन 10 ओमनीवर्स के ट्रांसफॉर्मेशन जैसा है। इस सीक्वेंस में सबसे पहले हाथ इवॉल्व होता है और फिर उसके बाद पूरा का पूरा बॉडी ही इवॉल्व हो जाता है अटोमिक्स में, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और ये भाई मतलब क्या ही कॉन्टेंट बनाता है बंदा, इज सच अ गुड कॉन्टेंट क्रिएटर। मैं इसकी सारी वीडियोस को देखता हूँ, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। अब नंबर 8 पर मैंने रखा है एलियन एक्स की ट्रांसफॉर्मेशन को, क्योंकि ये हूबहू बनाया गया है जैसा कि हम लोगों को सीरीज में दिखाया गया था। और भाई मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मतलब एकदम सेम बिल्कुल बनाया है जैसा हमें सीरीज में दिखाया गया था, और इस ट्रांसफॉर्मेशन का कोई जवाब नहीं। It's hero time. तो नंबर 7 पर मैंने रखा है ह्यूमंगस और ट्रांसफॉर्मेशन को। अब यार देखो, ये दो क्रिएटर्स की ट्रांसफॉर्मेशन है, एक है स्टैन और एक है शहरियार प्रोडक्शंस। अब यार देखो, दोनों ही अपनी जगह पे बहुत ही ज्यादा अच्छी बनाई गई हैं, वही इफेक्ट वो बॉडी इवॉल्व होने वाला जो कि हम लोगों को एलियन फोर्स और अल्टीमेट सीरीज दोनों में दिखाया गया है। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में जान डालते हैं इसके साउंड इफेक्ट और लाइट इफेक्ट्स जो कि बहुत ही अच्छी तरह से लगाए गए हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आपको इन दोनों में से बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा लगा, जो तुम्हें बेस्ट लगे कमेंट में बता देना। मेरा फेवरेट ट्रांसफॉर्मेशन तो स्टैन वाला है। Your
तो नंबर 6 पर आता है घोस्ट फ्री ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस। अब देखो यार, ये भी स्टैन का ही है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मतलब लाइक जैसे सीरीज में दिखाया गया था वैसा वैसा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सीरीज में तो भाई थोड़ा सा अलग अंदाज था, लेकिन इसका थोड़ा अलग है। अब वही मतलब हड्डियां दिखाई जाती हैं पहले फेस की, और फिर उसके बाद वही आंख होती हुई घोस्ट फ्रीक की दिखाई जाती है। और घोस्ट फ्रीक नंबर 6 पे इसलिए आया क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कूल बनाया गया है। लाइक मैन, देखो तुम इसको, देखो तो सही। स्टैन ब्रो, यू डिड रियली 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 गुड जॉब। तुम लोग वीडियो के मिडल में पहुंच चुके हो और तुम्हें पता भी नहीं चला। तो यार देखो, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा भाई, जाकर इन लोगों को भी जरूर से सपोर्ट करना। नंबर 5 पर मैंने रखा है वेबिक का ट्रांसफॉर्मेशन। अब यार ये वेबिक का ट्रांसफॉर्मेशन भी स्टैन भाई का है और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा वेल मेड है। अब यार देखो, इस ट्रांसफॉर्मेशन में सीधा सीधा बताता हूँ होता क्या है। सबसे पहले तो हाथों में से स्पाइक्स निकलते हैं, फिर फेस पे से एक स्पाइक निकलता है, और उसके बाद पीछे जाते हुए पूरा का पूरा वेबिक दिखा दिया जाता है और वो विलगेक्स को कुचल देता है। नंबर 4 पर मैंने रखा है डायमंड हेड की ट्रांसफॉर्मेशन को। अब डायमंड हेड की ट्रांसफॉर्मेशन हूबहू वैसी ही है जैसे हमें ओमनिवर्स और क्लासिक में दिखाई गई थी। अब ये जो डायमंड हेड ही है तो ओमनिवर्स फ्लैशबैक क्लासिक वाला, लेकिन ये भी काफी अच्छा लग रहा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, वही डायमंड्स हाथ पर चढ़ते हुए और फिर उसके बाद आंख में से होते हुए दिखाते हुए पूरा डायमंड हेड भाई। नंबर 3 रिप जॉज का ट्रांसफॉर्मेशन। अब रिप जॉज के ट्रांसफॉर्मेशन में भी देखो भाई, मतलब सेम क्लासिक वाली ही वाइब दी गई है। अब यहाँ पर हाथ सबसे पहले रिप जॉज का इवॉल्व होता है और फिर उसके बाद वही सर में से वो क्या है ये लाइट सी ये निकलते हुए स्टैन के जबड़े फटते हुए रिप जॉज के जबड़े निकलते हैं और फिर हम लोगों को पूरा रिप जॉज दिखा दिया जाता है। नंबर 2 पर आता है अपना स्नैरो या बेन मम्मी का ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी मतलब कहो तुम कह सकते हो। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में ओमनीट्रिक्स में से पट्टियां निकलती हैं हाथ पे पहले, और फिर उसके बाद आंखें ग्रीन हो जाती हैं और फेस पे भी पट्टियां लिपट जाती हैं। मैं पर्सनली बताऊं, ये वाला सीन मेरा फेवरेट है क्योंकि ये बहुत रियलिस्टिक सा फील देता है और एंशियंट फील भी देता है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद हमें पूरा बेन मम्मी दिखा दिया जाता है। तो भाई देखो, नंबर 1 पर बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना चाहता हूं जो कि थी तो अच्छी बट इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना सकी। सबसे पहले क्रोमोस्टोन का ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये सेम अपने बेंडन एलियन फोर्स वाला ही ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से ये मैंने लिस्ट में ऐड नहीं किया। नेक्स्ट है बस शॉक का ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो, बस शॉक के ट्रांसफॉर्मेशन में भी ज्यादा कुछ नहीं है, हाथ काला होता जाता है, फिर उसके बाद आंखों में एक सर्किट जाता है, उसके बाद पूरा बस शॉक दिखाया जाता है, जो कि मुझे ज्यादा कुछ खास नहीं लगा, इसलिए मैंने लिस्ट में ऐड नहीं किया। नंबर 1 पर मैंने रखा है
अपग्रेड के ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस। यार सच बताऊं, सबसे ज्यादा जो मुझे अच्छा लगा ट्रांसफॉर्मेशन में वो था अपग्रेड का ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब यार क्या ही बनाया है दोनों ही क्रिएटर्स ने। सबसे पहले स्टैन वाले की बात कर लेते हैं, तो उसके अंदर हम लोगों को ओमनीट्रिक्स में से सर्किट्स निकलते हुए दिखाए जाते हैं जो कि आंख तक जाकर और फिर अपग्रेड की शक्ल ले लेते हैं, जो कि काफी अच्छा है। ठीक है, ये अच्छा है, मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं अपने पर्सनल फेवरेट की बात करूंगा जो कि मैंने सच में नंबर वन पर रखा है, वो है HAM का ट्रांसफॉर्मेशन। तो यार इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखने से ऐसा लगता नहीं है कि ये बनाया गया है, ऐसा लगता है ये सच में रियल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये भाई इनसेन लेवल पर लेकर जा चुके हैं अपने VFX को। लाइक पहले हाथ में सर्किट निकलते हुए जाते हैं, फिर वो गले से होते हुए मुंह तक जाते हैं, और फिर एक सर्किट आंख तक जाता है, और फिर आंख में से होते हुए अपग्रेड दिखाया जाता है। इसी वजह से मैंने इसको नंबर वन पर रखा। तो यार देखो यहीं पर होता है वीडियो खत्म। भाई इतना ही था वीडियो, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आता है लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और हाँ अगर तुम लोग सपोर्ट करना चाहते हो इनमें से किसी को भी, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसको चाहो उसको सपोर्ट कर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर 3K सब्सक्राइबर्स। मैं यही कहना चाहूंगा कि जल्दी से 4, 5, 10K जितने करवाना चाहो करवा दो यार, और हाँ वीडियो देखने जरूर से आया करो यार, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं वीडियो बोर नहीं बनाता। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला, हर वीडियो में बोला। बाकी लाइक कर ही दो, चाहे मुंह पे फेंक के क्यों ना मारो, लेकिन लाइक हो जाना चाहिए। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए।